अस्सलामु अलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ हैदराबादी माया खला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है। रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। इसके लिए यहाँ पर एक पैन गरम कर लेंगे। इसमें 1/4 कप मूंगफली लेंगे, इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसे ठंडा कर हम इसके छिलके उतार कर रख लेंगे। इसी तरह 1/4 कप यहाँ पर खोपरा लेना है और इसे भी ड्राई रोस्ट कर हम निकाल लेंगे। इसी तरह 1/4 कप तिल लेंगे और इसे भी ड्राई रोस्ट कर निकाल लेंगे हम। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है कटी हुई, और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे हम, और इसे भी हल्का सा कलर आने के बाद भून कर निकाल लेंगे। प्याज को ठंडा होने देंगे और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। अभी कुकर में ऑयल ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। इसे हल्का सा चिटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़ी सी कड़ी पत्ता यानी करियापाक। 2 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसे भी 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी सालन में इन सारी चीज़ों की। अब इसमें मटन ऐड करेंगे। यहाँ पर 350 ग्राम मटन लिया है मैंने, इसे ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। इसे भी मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 कप जितना, और इसे प्रेशर कुक करेंगे हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी के लिए, और लो फ्लेम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक करते हैं। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम जीरा और धनिया का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, दोनों मिला हुआ पाउडर है ये, इसे भी मिला लेंगे। अब जो हमने पिसा हुआ मसाला है वो ऐड कर लेंगे इसमें। मसाले को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भुनना है, जब तक ये तेल अच्छी तरह से ना छोड़ दें, तभी हमारा जो ये जो सालन का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, वरना मसालों की कच्ची स्मेल आएगी इसमें से। इसे भुनने के टाइम पर छींटे बहुत उड़ती हैं, इसलिए आप बिगिनर्स हैं तो आप फ्लेम को लो करके इसे भुनें, और फिर इसे ढक्कन ढाँप कर हाई फ्लेम रखें 1 मिनट के लिए, फिर आप भुनने के लिए लो फ्लेम करके भुनें। इसी तरह से आप 3 से 4 बार करेंगे तो तेल आखिर में छूट जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम इमली का रस ऐड करेंगे 1 कप, इसे मिला लेंगे हम। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर मिला लेंगे हम। अब इसमें कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और यहाँ पर करी लीव्स का 1 बंच ऐड कर रही हूँ मैं। इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर हम, और जब हम इसे सर्व करेंगे, जब हम इस करियापाक के बंच को निकाल लेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे इसे पकने, और लो फ्लेम पर रख देंगे हम 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।